नमस्कार, स्वागत है आपका दांत न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता खासा परेशानी में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा तो चुनावी रैलियों में कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी दूर दूर तक किसी भी चुनावी रैली में नजर नहीं आई है। लेकिन अब सोनिया गांधी ने एक बाकायदा वीडियो के जरिए जनता के लिए संदेश जारी किया है और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। लेकिन इसी वीडियो के जरिए उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए देशवासियों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा कि युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक भयंकर भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ऐसा माहौल मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से देश में बन रहा है। यह सोनिया गांधी का ताजा वीडियो है जो सामने आया है, जिसमें वो देशवासियों को संबोधित कर रही है और ये सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी का ध्यान किसी और चीज पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना ये बीजेपी का लक्ष्य है और राजनीतिक लाभ के लिए वो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त पलटवार किया है और प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश जो है वो मोदी सफल नहीं होने देगा। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष पर पलटवार किया है, यह भी जबरदस्त पलटवार के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है जवाब देते हुए। कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडियन एलायंस वाले, कान खोल करके सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर, सुडो सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। तो जहां एक तरफ इस वीडियो के जरिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी, उनके शासनकाल में जो कार्य हुए हैं उसके कसीदे पड़े हैं, सोनिया गांधी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा देश की तरक्की, वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है, आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूं। हमारा न्याय पत्र का मकसद देश को एकजुट रखना, देश के युवाओं, महिलाओं और वंचित समाज को ताकत देना है। ये सोनिया गांधी ने इस वीडियो के जरिए दरअसल कहने की कोशिश की है, वोट की अपील की है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह का नजारा इन चुनाव में देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी जो किसी मंच पर तो बोलती नजर नहीं आती है, लेकिन अब उन्होंने इस तरीके से जनता को संबोधित किया है एक वीडियो के जरिए। लेकिन पीएम मोदी ने भी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में उन्होंने रैली की है, जिसमें वो एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर बरसे और उन्होंने जो संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी दरअसल जिस तरीके से लगातार संविधान को लेकर बातें विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री ने जनता को यह कहा कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है, इसलिए कांग्रेस सिर्फ कहीं ना कहीं संविधान को लेकर यह कहती है कि उनके प्यारे चाचा नेहरू ने संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, ये कहीं ना कहीं कहकर एक तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं। और मैं तो
अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है ना कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आम्बेडकर का था कि नहीं था? जाहिर तौर पर ये चुनावी घमासान लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक चरण की वोटिंग कंप्लीट हो रही है, चरण बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नतीजों के दिन करीब आएंगे, जाहिर तौर पर ये चुनावी घमासान दिलचस्प होता दिखाई देगा। और यही वजह है कि अब तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तमाम जो चुनावी बयानबाजी है, उन सब के बीच अब जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक तरफ जनता को संबोधित करते हुए इस वीडियो के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, तो पीएम ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जिस तरीके से जनता को मध्य प्रदेश में संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर पीएम मोदी जमकर हमला बोलते नजर आए हैं, हालांकि इन हमलों का नतीजा क्या होगा, इन आरोप प्रत्यारोप का नतीजा क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 चरण के चुनाव हुए हैं और उसके बाद अभी भी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसकी जो जुबानी हमले हैं, किसकी जो बयानबाजी है वो रंग लाती है और कौन इस चुनाव में फीका पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।